हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीना और फाइन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आ गई हूं पवेलियन मॉल जो कि औंध में है और यहां पर हम लोग आ गए हैं मेरे चाइल्ड के लिए। मैं कुछ ढूंढ रही थी, कुछ स्पेसिफिक जो कि अलग हो। नॉर्मली बच्चों को लेके जाते हैं पार्क में, मॉल में, यहाँ पर किड्स जोन होता है, गेम्स जोन होते हैं, छोटा सा ट्रेन राइड होता है, लेकिन उससे कुछ अलग अगर करना होगा जिससे आपका बच्चों का ब्रेन भी शार्प हो जाए, वो कुछ क्रिएटिव चीज़ें करे, ऐसा ही है ये एक चाइल्ड म्यूज़ियम जो कि पुणे मुंबई का एक लौता ऐसा म्यूज़ियम है चाइल्ड के लिए। अमेजिंग है और जिसका नाम भी है अमेजियम। और ये पवेलियन मॉल में है। यहाँ पर जैसे कि हम गैराज है, कैफ़े है, क्लिनिक है, कंस्ट्रक्शन जोन है, क्राफ्ट एरिया है, यहाँ पर बच्चे डैम भी बनाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि बच्चों को करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं इसी जो अमेजियम का आपको पूरा का पूरा टूर देने वाली हूँ, पूरे के पूरे डिटेल्स आपको दूंगी जिसे आप विजिट ज़रूर करना। सो गाइज, ये है यहाँ का एंट्रेंस और अमेजियम लेवल 2 पर बना हुआ है। जैसे ही आप एंटर कर देते हो आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा और यहाँ पर आपको एक छोटा सा कॉर्नर दिखाई देगा जहाँ पर बुक स्टॉल और जो स्नैक काउंटर लगा हुआ है। यहाँ के प्राइजेस है वीकेंड में 750, वीक डेज में 650 और टोटलर के लिए 250 रुपीज़। और अगर एक घंटे के लिए अगर आपको 1 आवर बढ़ाना होगा तो 100 रुपीज़ उसके चार्जेस है। उसी के साथ साथ एक अडल्ट आप फ्री है छोटे बच्चों के साथ साथ। ये है यहाँ का मैप और जैसे ही हम लोग एंटर कर देते हैं हम लोगों को दिखाई पड़ता है आइंस्टाइन लैब। और ये इतना यूनिक और बढ़िया है जिसे बच्चों के साथ साथ अडल्ट भी बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पर है ग्रोवी केयर्स जिसको आपको व्हील्स एक दूसरे को जोड़ने रहते हैं और उसे घुमाते ही लाइट्स लगती है। यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए एक यूनिक वे बनाया गया है, स्टेयर्स से ऊपर जाना नहीं है तो इस वे से बच्चे ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ पर एक एयर वैक्यूम की तरह कुछ तो बॉल जो बाउंस होते रहते हैं उसे भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। मैग्नेट है जिसे आप मैग्नेट के ब्रिज बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर एक सबसे यूनिक चीज़ है जो कि हॉस्पिटलों में यूज़ होती है, वहाँ पर बच्चे उसे भी इंजॉय करते हैं, उसे आप ज़रूर देखना जाके। हम लोग अभी जा रहे हैं लेवल 2 पर, फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि वहीं पर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पर गैलेक्सी बनाई गई है स्टेयर्स के ऊपर जो कि कलरफुल बहुत अच्छी लगती है। सो गाइज, ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। बहुत ही पार्टी वाला, कार्निवल वाला यहाँ का माहौल है। एंटर करते ही यहाँ पर एक छोटा सा गजीबो बना गया है जिसमें म्यूजिकल पाइप्स है। यहाँ का जो स्टाफ है जो हम लोगों के जो बच्चे हैं उन लोगों को सारी चीज़ें सिखाता है, बड़ा सपोर्टिव है ये भी। और यहाँ पर एंटर करते ही है मिनी गैराज जिसमें बच्चे जो है टायर चेंज करते हैं। अलग अलग टूल्स यहाँ पर रखे गए हैं, टायर रखे गए हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है जिसमें कार में बच्चे फ्यूल भरवा सकते हैं। यहाँ का जो टायर है वो बहुत ही हैंडल कर सकते हैं बच्चे, इतना छोटा और हल्का है। और जो स्क्रू उसे यूज़ करते हैं वो सच में बहुत अच्छा है। उसके बगल में है टोडलर एरिया जहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो स्लाइड करके जो बॉल्स के अंदर खेल सकते हैं। उसके बगल में है म्यूजिक शॉप जिसे बटन क्लिक करते ही अलग अलग म्यूजिक बजता है। और उसके बगल में है मार्केट और मार्केट के अंदर बच्चे वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स उसकी शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बगल में बच्चे टॉय शॉप की शॉपिंग कर सकते हैं। म्यूजिकल शॉप में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं जिसके बजाकर बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं। और उसके बगल में है ग्रीन ग्रॉसरी शॉप जहाँ पर बच्चे वेजिटेबल,
फ्रूट्स, बोनविटा, बटर और ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मसाले, टाइड जो भी मिलती है वो सभी की शॉपिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा बिलिंग काउंटर भी बना हुआ है जिसमें बच्चे बिल भी बनाते हैं। बहुत ही अमेजिंग लगता है यहाँ पर बिल बनाने का जो तरीका उन लोगों का देखकर, बहुत क्यूट है। उसके बगल में ही है कैफ़े जहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बनाई हुई है। यहाँ पर किचन एरिया भी है जहाँ पर जो छोटे मास्टर शेफ्स हैं वो खाना बनाते हैं। हर एक जगह पर यूनिफॉर्म भी रखे गए हैं जिसे पहनकर बच्चे बहुत ही क्यूट लगते हैं। मेरी बेटी ने यहाँ पर बनाया था पिज्ज़ा और शिवांश ने बनाया था सैलेड। बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी तरह से बच्चे नोटिस करते हैं। और जो बेटी ने मेरे जो प्लेट्स निकाल कर सर्व किया था उसके बाद उसने पापा को सर्व किया, जो छोटी छोटी चीज़ें वो जो नोटिस करते हैं वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, वो देखने के लिए पेरेंट्स को बहुत ही मज़ा आता है। और यूनिफॉर्म में तो बहुत ही बच्चे क्यूट लगते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने जैसी जिसे बच्चे बहुत ही इंजॉय भी करते हैं। उसके बगल में ही आपको एक बड़ा सा कैफ़े है यहाँ पर, जहाँ पर आप अपनी कॉफ़ी या फिर आपको कुछ स्नैक्स खाना हो उसे ऑर्डर करके खा सकते हो। यहाँ पर आप बैठ भी सकते हो, बहुत ही अच्छी प्लेस है। यहाँ पर अंदर की ओर ही स्नैक सेंटर है। उसके बाद है यहाँ पर वाटर वर्क्स जहाँ पर बहुत सारे पाइप्स, और यहाँ पर एक छोटा सा डैम बनाया गया है जिसमें पानी चलता रहता है। और यहाँ पर आपको ब्लॉक्स रखने होते हैं, वे बनाना रहता है जो बोट के लिए या फिर डक्स के लिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे इसे मैनेज करते हैं, खेलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ब्यूटीफुल पाथवे रोड्स बनाए गए हैं अलग अलग प्ले एरिया की तरफ जाने के लिए। क्रिएटिव कॉर्नर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बच्चे जो है पेंटिंग या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो उसे एंजॉय करते हैं। ग्लास पेंटिंग बच्चों का बहुत ही फेवरेट है क्योंकि घर पे तो परमिशन होती नहीं है। यहाँ पर पेपर पेंटिंग भी करते हैं जिसमें सानवी ने एक आइसक्रीम भी बनाया था। और यहाँ पर ना एक लाइट टेबल है जिसके ऊपर जो ब्लॉक्स के ऊपर मैग्नेट लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हो और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गेम्स यहाँ पर रखे गए हैं जिसे बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं। सो मेरे साथ है अमेजियम के ओनर प्रवीणा, जो हम लोगों को ब्रीफ करेंगे कि एक्चुअली ये जो म्यूजियम है वो बच्चों के लिए क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो प्रवीणा, हाय। हाय लीना। सो प्लीज़ मुझे बताओ कि ये म्यूजियम है क्या। सो अमेजियम इज़ अ वेरी यूनिक प्ले एरिया फॉर किड्स। इट इज़ अ प्लेस वेयर किड्स कैन enjoy a variety of activities which are hands-on and experiential. So just to give you an example, we have this huge 10 feet water table and kids can build structures on the water. So essentially they can build channels and canals where they can place their boats and ducks, or they can direct the flow of the water towards the turbine that we have at the end of the table. And when they do that, the turbine starts moving. So it's very interesting for them to engage in such practical experiences. Right. Every child has a different interest, which is why we've created a variety of exhibits. So some kids are interested in science, some may be interested in art, some may be interested in role playing or building. So based on that, we've created, there are various sections in the museum where they can engage in each one of these activities. So in that sense, a museum is a place where kids can engage in, you know, in play, but in a very meaningful way. So, and it's not just for kids, but it's also for adults. Yeah. I think even adults can come and engage in play with their kids and have lots of fun. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर बर्थडे पार्टी भी आप कर सकते हो। एक छोटा सा हॉल बनाया गया है जहाँ पर आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। इसके पैकेजेस है वो ऑनलाइन या फिर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। छोटे छोटे चेयर्स, टेबल्स, अडल्ट के लिए टेबल्स, चेयर, ये सब कुछ यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर स्कूल्स के जो पिकनिक्स है वो भी आते रहते हैं। इमेजिनेशन प्ले एरिया में यहाँ पर बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए हैं जहाँ पर बच्चे क्रिएटिव तरीके से उनको जो चाहे वो बना सकते हैं, हाउस हो या फिर कुछ भी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जोन भी है जहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर आपको हाउस बनाना रहता है। अर्थक्विक टेबल इसे कहते हैं। अर्थक्विक आने के बाद आपका हाउस कितनी लास्ट तक रहता है वो ये तय करता है। उसके बाद यहाँ पर एक पाइप
लाइन भी आपके बच्चे बनाते हैं और वो भी बहुत ही यूनिक चीज़ है यहाँ पर। और जो सीलिंग तक आपको पाइप्स बनाने रहते हैं, यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट भी है जो बच्चे घुमाते हैं, जो पाइप में आपको बॉल डालनी रहती है वो भी अमेजिंग है। उसके बाद यहाँ पर एक 2 फ्लोर का एक बंगलो बनाया गया है जहाँ पर ऊपर की ओर बच्चे जाते हैं तो उनको एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी है जहाँ पर छोटे छोटे बीन बैग्स रखे गए हैं, वहाँ पर बैठ के जो बुक्स है उसे पढ़ सकते हैं, कार्टून है उसे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है क्लिनिक जहाँ पर छोटे बच्चे जो डॉक्टर का कोट पहनकर जो पेशेंट को चेक करते हैं, एक मेमो दिया जाता है उनको। उसके साथ यहाँ पर एक एक्सरे मशीन भी है जहाँ पर बच्चे एक्सरे निकाल सकते हैं ह्यूमन का, एनिमल्स का, जिसे बटन प्ले करके हर एक चीज़ का एक्सरे आपको दिखता है, बच्चे उसे भी बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर एक फोर्ड भी बनाया गया है जहाँ पर बहुत सारे बुलबुले या टाइप्स एंट्री है। एक बार बच्चे जो फोर्ट के अंदर चले जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे वे है जहाँ से बच्चे ऊपर जाते हैं। 2 फ्लोर और ऊपर की ओर बनाया हुआ है जहाँ पर आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो, पहाड़ टाइप यहाँ पर बनाया गया है उसे भी चढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे वेज यहाँ पर बनाए गए हैं जिसे बच्चे एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रॉक क्लाइंबिंग भी है जिसे बच्चे ऊपर चढ़ते हैं उसे भी बहुत एंजॉय करते हैं। सानू ने भी इसे चढ़ा, उसे भी इसे बहुत मज़ा आया। उसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी मज़ा आता है वो है बबल जोन, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बबल्स बनाए जाते हैं, बच्चों के उसके अंदर रखा भी जाता है, वो बहुत अमेजिंग है। गाइस सानू का खेल के हो गया है और आप सभी ने देखा, मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ का टूर है वो दिया था। बहुत अमेजिंग प्लेस है, एंट्रेंस करते ही आपको ये जो पूरा का पूरा म्यूजियम है दिख जाएगा। पास से बगल में ही यहाँ पर कैफ़े है, यहाँ पर इन लोगों का खुद का कैफ़े भी है। यहाँ पर बर्थडे पार्टीज़ भी होती है जिसका मैं अभी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, लिंक भी है, आप वहाँ पर जाकर जो पार्टीज़ के जो पैकेजेस है वो भी आप जान सकते हो। उसके साथ साथ 750 यहाँ के एंट्री चार्जेस है जो आपने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। और यहाँ पर जितनी यूनिक चीज़ें थी, जो गैरेज था, कैफे था, वो डैम बनाने का था, बबल, क्लीनी, कंस्ट्रक्शन जोन, क्रिएटिव जोन, फोर्ट, क्लाइंबिंग, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर टोडलर से लेकर 12 साल के 14 साल के बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ना दिमाग चढ़ने लगता है इन लोगों, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और बहुत मज़ा आता है। जैसे कि डॉक्टर के पास लेके जाते डरते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खुद डॉक्टर हो जाते हैं, टायर चेंज करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, बहुत ही मतलब रियलिस्टिक ऐसी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है कि बच्चों को यहाँ पर मज़ा आता ही है। मैं खुद यहाँ पर फिर से आने वाली हूँ और आप भी ज़रूर आइएगा। एड्रेस फिर से बता देती हूँ, पेवेलियन मॉल अंत में ये जो म्यूज़ियम है, अमेजियम, सच में नाम की तरह ये बहुत ही अमेजिंग है, पुणे मुंबई का एक लौता चिल्ड्रंस म्यूज़ियम। तो चलिए, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।